आप दुनिया के बारे में वीडियो बनाते हो, कभी खुद के बारे में भी तो बनाओ। हालांकि मेरे पास अभी दो टॉपिक ऐसे हैं, एक ये अंकल, और बहुत दिन से सोच के बैठा हूँ मैं कि इन दोनों विषयों पर एक अपना डीपली वीडियो बनाऊंगा। रात में भानगढ़ के पास जब वीडियो अपना शुरुआत करता है तो वीडियो की शुरुआत भानगढ़ के वीडियो ये रात में 11-13 का टाइम तक तो इसने ठीक वीडियो बनाया, लेकिन कहानी उसके बाद ही हो गई कि मैं जो एएसआई डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी है, उसका जब इंस्ट्रक्शंस है हाई मात्रा में, मेरे वीडियो में कट आएगा। पहले तो मुझे इसी बात का जवाब दे दो, कट क्यों आएगा बताऊ। 343 पे आपका पहला कट आता है, वो कट आपने लगाया है, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम कट क्यों लगा रहे हो भाई, एंट्री लगा करके। जब भी मैं कोई बात कहा करूँ तो एंट्री लगा करके सुना करो, ठीक है, और फुल आवाज कर लिया करो। क्यों नहीं है 5:55 के टाइम पे, वो कौन लोग हैं भाई? 11:13 पे आप वीडियो बना रहे हो, 3 स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ। आप अंदाजा लगाना इसके कैमरा गलती से वहां पर कैमरामैन चला जाता है और आप में से बहुत से लोग यार नहीं देख पाते इन चीजों। 10:34 पे इनके भानगढ़ वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, 10:34 पे तो की आवाज यार हम सब पढ़ते हैं सुबह होते यार, सुनने होते क्यों मजाक करोगे, सुन लेना। हाँ, 11:34 पे इनके वीडियो में इनके कथन अनुसार गार्ड आया, जैसा कि गूगल हमें बताता है, विकिपीडिया बताता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, एएसआई भी हमें बताता है, हाँ। तो नमस्कार मित्रों, बहुत दिन बाद आता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आप सभी लोगों के लिए रोमांचक लेकर के आता हूँ, ये आप सभी को मालूम है। मुझे टाइम लग जाता है, ये सत्य है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भाई टाइम नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए सर्वप्रथम तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए इस चीज को, कि मेरा जो भी वीडियो होता है भले देर से आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मतलब बहुत ही अच्छी रोमांचक जानकारी लेकर के आता है। तो बहुत ही धैर्यता पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। दूसरी बात यह, आज पहली बार मैं आप सब लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ जो मैंने शायद अपने किसी भी वीडियो में पहले आज तक नहीं बोली, और शायद इसीलिए नहीं बोली थी कि शायद कुछ उससे होगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यार दुनिया बोलती है तो फिर मेरे को भी बोलना मजबूरी बनता है। तो वो बात ये है कि भाई मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए। ये मैंने आज तक नहीं बोला भाई अपने किसी वीडियो में, आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार, ये आप सभी लोग जानते हो, और वीडियो जो बनता है देखना आसान होता है, लेकिन वीडियो बनाने के वजह मतलब मेरे ही जैसे जो भी यूट्यूबर है, और इवन वो भी यूट्यूबर्स जिनके बारे में मैं अपना तर्क वितर्क रखता हूँ, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वेदर वो फेक है या रियल यार मेरे को नहीं मालूम, और आई डोंट नो। तो लेकिन मेहनत यार सभी की होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और अगर चाहना तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, पुराने वालों ने तो कर रखा है, जितने भी अल्पसंख्यक हैं हमारे पास तो उनसे ही खुश हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो थोड़ा सा हर बार की तरह लंबा होने वाला है। अब बात करते हैं यार उस यूट्यूबर की जो बहुत ही सूक्ष्म समय में बहुत ही शिखर पे जो है जा चुका है, और हम और आप उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे की कहीं ना कहीं कोई मेहनत भी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और सारी बातें खुल करके रखते हैं, बस धैर्यता पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो मुझसे, कुछ लोग आप में से कहते हैं कि भाई आपका वीडियो देर से जरूर आता है लेकिन कुछ डीपली जानकारी देते हैं, तो डीपली ही मैं बता रहा हूं, बोर मत होइएगा, वीडियो को धैर्यता पूर्वक सुनिएगा, और एक एक तर्क पे बात करूंगा, ठीक है।
अच्छाई बुराई जो भी है वो सारा ही इस वीडियो में रख दूंगा आज। चलिए बात कर रहे हैं हम मिस्टर आरकेआर हिस्ट्री की, जिनके लिए मेरे को सबसे ज्यादा फोर्स किया आप लोगों ने कि भाई आप दुनिया के बारे में वीडियो बनाते हो, कभी इनके बारे में भी तो बनाओ। तो मैं आपको पहले बता दूं यार कि मैं उस बंदे के बारे में वीडियो अब तक इसलिए नहीं बना रहा था, उसकी वजह मैं चलिए अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। बहुत बड़ी वजह है उसकी। और अब मैं बता दूं कि मैं उसका वीडियो ये लेकर के आया हूं, तो क्यों लेकर के आया हूं, क्या है क्या नहीं, वो आप लोगों के फोर्स करने पर लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस बंदे ने एक वीडियो बनाया है अपना भानगढ़ का। हालांकि मेरे पास अभी दो टॉपिक ऐसे हैं, एक ये एक भानगढ़ और दूसरा है ईएमएफ मीटर। बहुत दिन से सोच के बैठा हूं मैं कि इन दोनों विषयों पर एक अपना डीपली वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल हटके, जो किसी भी से भी जुड़ा नहीं होगा, वो मतलब किसी पर्टिकुलर किसी एक बंदे से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा आप लोगों के समझ में जरूर आएगी और उस पर आप लोग गौर जरूर करोगे। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं आरकेआर हिस्ट्री की, ठीक है। तो भाई ये बंदे का कहना है कि मैं रात में भानगढ़ गया और 11:13 का टाइम गूगल पे इसने शो किया। और आप लोग भाई वीडियो देख भी लेते हो, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, मेहनत तो करता ही है कोई ना कोई, कोई भी हो जाता है। अब मैं यहां पर जो वीडियो अपना लेकर के आया हूं इस बंदे के ऊपर, तो भाई ये लेकर के आया हूं और मेरा अपना तर्क वितर्क है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं यार, आई मे बी रॉन्ग, कोई जरूरी नहीं कि मैं सर्वे सर्वा हूं तो ठीक ही बोलूंगा, ये आप लोगों को तय करना है। लेकिन मेरा जो तर्क वितर्क जो मैं पकड़ता हूं, जो कहीं ना कहीं कैच करता हूं, जितना शोध करता हूं वीडियो में, उस हिसाब से अपना तर्क रखता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई, कि ये बंदा भानगढ़ जाता है और रात में भानगढ़ के पास जब वीडियो अपना शुरुआत करता है, तो वीडियो की शुरुआत भानगढ़ के बोर्ड के पास, जो कि बोर्ड लगा होता है भानगढ़ जिसमें लगा लिखा होता है, उसके पास खड़ा होकर के बोलता है कि इंतजार खत्म हुआ और आप लोगों के कहने के अनुसार मैं आ चुका हूं भानगढ़। सत्य है ये बंदा है भानगढ़ पे, गया भी है। लेकिन सवाल हम वहां पर उठाने लगते हैं जब कोई इंसान मतलब एक अनसुलझे सत्य को जो है सत्य बोलने लगता है, असत्य रूपी सत्य को भी सत्य बोलने लगता है, तब वो कहीं ना कहीं मेरा बोलना हमको जायज लगता है। रात में कोई भी इंसान भानगढ़ पे बोर्ड पे जा करके बोल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रात में 11 बजे आप भी जा सकते हो, आप में से कोई भी भानगढ़ के उस बोर्ड के पास आराम से जाकर के वीडियो बना सकते हो, बोल सकते हो। कहानी आती है एंट्री अंदर लेने की, तो आप में से कई लोग बताओ कि क्या 6:30 के बाद, इवन बहुत ज्यादा लेट टाइम लेते हैं तो 7 के बाद, क्या भानगढ़ के अंदर घुसना मुनासिब है? अब बहुत से लोग आप में से जो है इस चीज को बोलेंगे कि नहीं है मुनासिब, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ भाई मुनासिब है, और भानगढ़ के बहुत सारे एक हाइड रास्ते हैं, कुछ हिडन रास्ते हैं जिनसे घुसा जा सकता अंदर। चलिए भाई कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जो है गार्ड को पैसे दे करके, भाई सवाल इस बात का है, ये बंदा बोल रहा मैं 3 के साथ अंदर आया हूं, ठीक है, मानते हैं इसकी बात को, आ गया अंदर, कैसे आया, कब आया, कहां से आया, आई डोंट नो, आ चुका होगा। लेकिन मैं ये आप लोग बोलते हो कि आ चुका है और आप लोगों को दिखाया भी दरअसल यही गया है कि आ चुका है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं यार कि ये रात में 11:13 का टाइम तक तो इसने ठीक वीडियो बनाया, लेकिन कहानी उसके बाद ही हो गई। अब कहानी उसके बाद क्या है, जो इसने ये दिखाया कि मैं पूरी रात अंदर था भानगढ़ के, गलत, सबसे बड़ी गलत बात यही है। और आप लोग यहीं पर जो है मतलब गच्चा खा जाते हो यार, किसी भी चीज को देखा करो तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने का कोशिश किया करो,
मैं एक वीडियो को एक बार, किसी का भी वीडियो मैं एक बार नहीं देखता हूं, उस वीडियो को कम से कम 15 से 20 बार और नॉर्मल से लेकर 0.75, 0.25 और 0.5 की स्पीड पे भी देखता हूं। इसीलिए कौतूहल की दृष्टि से देखी हुई चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नजाकत नजर आ ही जाती है, और वो ये है कि मैं अपने अनुसार, मैं जहां तक मेरा मानना है, मैं खुल के कह सकता हूं कि यार ये पूरी रात अंदर नहीं था। ठीक है, सुबह के 5 बजे के बाद का ये वीडियो इसने सारा अंदर के शूट किया है। भानगढ़ सुबह 5 बजे के आसपास खुल ही जाता है यार, और नहीं भी खुलता है तो कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाती है यार। सुबह 5 बजे कोई भूत नहीं आ जाता वहां पर, तो मिल जाती एंट्री। ठीक है, लेकिन पूरी रात जो अंदर रहने का दावा करते हैं, मैं उनको गलत ठहराता हूँ। वो नहीं, गलत है वो, नहीं, रात में अंदर नहीं जाते हैं, मेरे को मालूम है। सॉरी, एएसआई की जो टीम है, जो एएसआई डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी है, उसका जब इंस्ट्रक्शंस है हाई मात्रा में कि अंदर कोई 6:30 के बाद जा ही नहीं सकता और रुक भी नहीं सकता है, तो भाई हु द हेल आर यू स्टे देयर, कौन है आप, कैसे रुक गए अंदर, किसकी परमिशन से रुके, ये सारी बातें अभी इस वीडियो में आगे मैं रखने चाहता हूं। और हाँ, मैं आपको खुल के बता दूं कि आज मैं भले ही आरकेआर के बारे में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं दावा इस चीज का भी करता हूं कि और भी लोग जो आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे भानगढ़ के स्पेशल, पूरी पूरी रात भानगढ़ में अंदर कोई नहीं रुका है, इसको भी मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, परेशान ना हो। सब चीजों का तर्क वितर्क है और सारे पक्ष हैं हमारे पास। ठीक है, रखूंगा वेट, अभी मैं आरकेआर की बात कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि भाई आप रात में गए हो भानगढ़ और बोर्ड के पास खड़े होकर के बोल रहे हो कि आपका भाई आ चुका है भानगढ़। अच्छी बात है भाई, रात को कोई भी बोर्ड के पास आकर के खड़े, भाई आपको, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल यू कांट इंटर, ठीक है, एट दिस टाइम आप इस समय पर अंदर नहीं जा सकते हो, तो आप बोर्ड के पास आराम से परमिशन आपको मिल जाएगी, भाई बाहर खड़े होकर कुछ भी बनाओ आप, कह लो मेन फाटक जो आता है अंदर भानगढ़ जाने का, वहां के बाद एंट्री आपने दिखाई क्या, आपने वो फाटक दिखाया नहीं, दिखाया ना आपने, डायरेक्ट एंट्री दिखा दी। अब मैं आप सारी चीजें क्लियर करता हूं आपको, बाहर खड़े होकर के वीडियो बनाना, उसके बाद गैलरी में चल देना, वो कोई बड़ी बात नहीं, रात में जाकर के आदमी बनाता है यार, बहुत से लोग बनाए वहां पर। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं। भाई मेरा वीडियो थोड़ा लेट जरूर होता है, देखो पसीना आ रहा है मेरे को भी, मैं लेट नाइट वीडियो मैं भी बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन तर्क वितर्क कहीं ना कहीं करता हूं तो टाइम लगता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 3:30 पे सबसे पहले आपने कट लगा, आप कह रहे हो कि मैं, मेरे वीडियो में कट आएगा, पहले तो मुझे इसी बात का जवाब दे दो, कट क्यों आएगा और जरूरत क्या कट लगाने की, क्या जरूरत है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो में कटिंग आएगी दोस्तों, क्योंकि बहुत मुश्किलों से शूट होगा मेरे को जहां तक लग रहा है। आखिर जरूरत क्या है कट लगाने, कट की, कट क्यों, क्यों किस वजह से आएगा कट, क्या मतलब है, आप सोच करके देखो यार, अगर आप बिना परमिशन लेकर के अंदर आए हो तो एएसआई के जो है डिपार्टमेंट है, क्या बेवकूफ है क्या वो, एक बार मैं डिपार्टमेंट से भी कह रहा हूँ इस चीज को कि क्या बेवकूफियत लगा रखी यार, या तो वहां से जो है टाइमिंग का जो है ये अपना क्लॉज हटाओ, जो ये लगा रखा 6 बजे के बाद कोई अंदर नहीं आ सकता, खुल के आराम से खोलो गेट, जिसकी मर्जी घुसा, पूरी रात घुसा रहे, जब आप अन्य रास्तों को नहीं बंद कर सकते हो तो ये 6 बजे का ड्रामा क्यों है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर चले गए, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में है। 3:00 आपके वीडियो की बात कर रहा हूं, 3:43 पे आपका पहला कट आता है, वो कट आपने लगाया है। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम कट क्यों लगा रहे हो भाई, व्हाई द हेल यू आर कटिंग योर वीडियो अगेन एंड अगेन। क्यों कट लगा रहे हो इसका जवाब नहीं है मेरे पास। दूसरी बात करते हैं, 4:29 पे दूसरा कट आपका आता है और तीसरा कट आपका जो है 527 पर आता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मैं
तीन पांच किए जा रहा हूँ, बात आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। आखिर मतलब क्या वीडियो बनाने का, मतलब केवल इतना सा मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये बंदा जो है रात भर वहां था ही नहीं, ये दिन में था वहां पर, 5 बजे के बाद था। वो कैसे, वो इस स्क्रीनशॉट पे आपको अभी आपको दिखाता हूँ, आगे स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है। देखो भाई 5:55 पे आप लोग के वीडियो को देखना और गौर करना, बहुत ही डीपली गौर करना, और हाँ विशेष तौर पे हैंड फ्री लगा करके देखना। जब भी मैं कोई बात कहा करूं तो हैंड फ्री लगा करके सुना करो, ठीक है, और फुल आवाज कर लिया करो वीडियो की, अकेले में बैठ के आराम से बैठ के सुना करो तो मेरी बातें समझ में आएंगी। ये वीडियो को देखिए, 5:55 का टाइम लीजिए, 5:55 का टाइम लीजिए और गौर कीजिए अपनी हैंड फ्री पे। अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं आया हूं तीन लोगों के साथ आया हूं, भाई तीन लोगों के अलावा भी जो है कई लोगों की आवाजें आ रही हैं। वो कौन लोग हैं भाई, 11:13 पे आप वीडियो बना रहे हो और उसके बाद अंदर भी घुसे होगे तो मान लो 12:30 होगा, तो 12:30 अन्य लोगों की आवाज भानगढ़ के अंदर कैसे आ रही है, कैसे आ सकती है, मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, ये आवाजें आपको 5:53 से चालू हुई है, ठीक है ना, 5:53 से चालू हुई है। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, इस वीडियो का सबसे मोटी पॉइंट जो है 6:02 पे, इस भाई के वीडियो में 6:02 का पॉइंट जो है 06:02 का टाइम जो है उस पर गौर करना, और इसी पॉइंट पे आप समझ जाओगे, इस पर गौर करना और वीडियो यहां 6:02 पॉइंट से देखना चालू करना। ऊपर स्क्रीन पे आपको एक जगह पर कैमरा, इसका कहीं ना कहीं कैमरामैन से गलती हो जाती है, जो भी हो, आसमान नजर आता है, सुबह का टाइम नजर आता है, नीला आसमान नजर आता है और सामने और सामने अब ये मत कहना कि वहां लाइट है कोई, क्योंकि भानगढ़ के अंदर उस जगह पर जहां पर आप हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो लाइट कहां से आ गई। और इवन अगर आप में से कुछ लोग ये भी कहते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी है, तो ब्लू कलर की आसमान जैसी चमकने वाली इलेक्ट्रिसिटी वहां पर नहीं दिखाई देगी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आसमान आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है, तो भैया ये आप समझने का प्रयास करो कि ये इसने, अब आप लोग कहोगे कि यार ये घुसा तो था 11:13 के आसपास, तो 11:13 के बाद 3:30 पे वीडियो का कट भी आया था ना, सॉरी 11:13 इसका टाइम था, घड़ी का टाइम, और वीडियो में 3:30 पे इसका कट भी आया था, यानी कि जब ये अंदर गया है तो ये 11:13 के बाद अंदर गया ही नहीं है, ये सुबह गया है। 11:13 पे खड़े होकर इसने भानगढ़ के बाहर वीडियो उतना कैप्चर कर लिया और बाकी का शॉट जो है सुबह बना लिया टाइम पे, ठीक है। 11 पब्लिक है, कुछ भी दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। तो इसने बाकी का शॉट सुबह आप लोगों को दिखाया है और वीडियो को कर दिया मर्ज ताकि आप लोगों को समझ में ना आए, और ये आराम से एंट्री ले गया बंदा, और एंट्री लेने के बाद खेल खेल गया। अच्छा आपको एक चीज और बता दें, बड़ी हंसने वाली बात है यार, कि कोई भी बंदा इनमें से जो भी YouTube पे वीडियो बना रहा है वो आज तक रात भर रुका ही नहीं है अंदर भानगढ़ के, कोई भी नहीं रुका है। आप लोग सवाल करोगे ना मेरे से कि नहीं भाई फलाना आदमी गया, डिकाना आदमी गया, वो फलाने और जो डिकाने है ना उनका भी इतना इतना क्लू मेरे पास रखा हुआ है, दिखाऊंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप में से कई आदमी जो है दे भगा बग्गा दी देगा नीचे कमेंट में, किलो के हिसाब से दे,
और बहुत से लोग हमारे अपने हैं जो हमारी तारीफ भी करते हैं, तो उनका सम्मान है भाई दिल से, और गली देने वालों का सम्मान है, वो भी दे कस के। तो खैर आर के आर भाई के लिए कोई बुराई नहीं है अपने दिल में, केवल मतलब अपना तर्क वितर्क रखने से वो रखता हूँ यार। मैं खुद भी ये समझ लो कि एक प्रकार से सवाल कर रहा हूँ कि ये क्या है, ये कौन सी धनतेरस है, ये क्या हत्या है, क्या बवाल है, इसका जवाब दो भाई जो मेरे पकड़ में आ जाता है, या तो इसको खुल के बताओ ये क्या है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो हमारा लंबा जरूर हो रहा है, ठीक है, जो भी समझो आप लोग। आगे बढ़ते हैं यार, एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो ये आसमान वाला शॉट आप लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, 6.2 पे जो मैंने टाइम बताया आपको, उस पे आसमान के अलावा आपको एक चीज और गौर करना नजर आएगी, और उन लोगों को खास तौर पे जो हैंड फ्री इस्तेमाल करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यूज बेटर क्वालिटी हेडफोन बिफोर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, तो हेडफोन लगा करके आराम से आप लोग सुनिए, कुछ लोगों की आवाज़ आपको आएंगी। अब मेरे को ये बताइए कि अगर ये बंदे अंदर गए हैं, ये कैमरा मैन है, ये कि तीसरा आदमी जो भी बवाल हो, इनके अलावा दूर पे किन लोगों की आवाज़ आ रही भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन है अंदर, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या वो भी आपकी तरह चोरी से घुसे हैं रात में? नहीं, क्योंकि ये बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग दिन में गए हुए हो यार, 5 बजे के बाद कोई भी आराम से आदमी जाता है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और खुलासा कर दूं यार, हो सकता है कि ये 5 बजे दिन का टाइम ना हो, शाम का भी हो सकता है, आप शाम को गए हो और आपने कट 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 करके वीडियो बना लिया, और वो जो